Good morning, students. Okay, today exercise 3A and question number 1, expand and simplify, or maybe expand or simplify. Question hai mere paas 6x square plus 19 plus 9x square minus 8. Okay, 6x square plus 9x square plus 19 minus 8. Is step mein maine x square aur x square ki terms ko ikattha kar liye aur constants ko ikattha kar liye. Theek hai, 6x square plus 9x square add honge 15x square प्लस माइनस माइनस 19 और 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11. सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से, तो 2y स्क्वायर माइनस 2 6 या 12y. अगेन y स्क्वायर को आपस में सॉल्व करेंगे और y को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सेम इसी तरह से 5x स्क्वायर माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये टर्म हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 10x. 5x स्क्वायर और x स्क्वायर की टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी और x की टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x. अच्छा, इसका जो है बी पार्ट वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद ट्राई करना है. जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं यूएलएफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.